जय हिंद, जय जोहार। आप मन सभी के कंपटीशन कम्युनिटी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और हमर संग बैठे हैं छत्तीसगढ़िया गुरुजी कोमल सर, जिन्हा आप मन ला बताही कि हमर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता में हमर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मन का योगदान दिए हैं। और साथ में कंपटीशन कम्युनिटी के परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। स्वतंत्रता संग्राम में आदरणीय सम्मानी देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शख्स महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े योगदान रहिस। लेकिन जेन बखत वह छत्तीसगढ़ में आइस तो एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व रही से जेन ला गांधी जी हा अपन अग्रणी, अपन अग्रज और अपन गुरु कहे रहिस। उस शख्स के, वो व्यक्तित्व के, वो पर्सनालिटी के नाम है हमर मन पास पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा वही हर है जेकर से गांधी जी बहुत प्रभावित हो रही से, बहुत इम्प्रेस हो रही से। काबर की जब गांधी जी 1920 में यहाँ सबसे पहली बार आई से, ओकर बाद 1925 के बाद वह सोची से कि देश में अछूत उद्धार होना चाहिए, जो दलित है, जो शोषित है, एकर मन के उद्धार के कार्यक्रम करना चाहिए। जब वो 1930 में सोची से ओला करेक चालू करी से, ओकर पहले हमार मन पास छत्तीसगढ़ के गांधी जेला हमन की तन पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा वही व्यक्ति है जिन्हें 1918 में जो दलित कहे जातरी से, जो शोषित कहे जातरी से, उकर मन के उद्धार पर काम करी से। और मन ला 1918 में जनेऊला धारण करवा के ओकर मन के उद्धार करे कार्यक्रम करेगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से पर्सनालिटी है हवा जिन्हा पूरे नेशनल लेवल में कहा था ना, पूरे राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहली बार छात्र मनला इस स्वतंत्रता संग्राम में झोंके रही। ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम है ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठाकुर प्यारे लाल सिंह वो व्यक्ति हर है, वो व्यक्तित्व हर है जिन देश में सबसे पहली बार छात्र मन के हड़ताल करवाई से। और ये जब छात्र मन के हड़ताल करवाई से, एकर से पहली कोनो सोचे नहीं सकत रही से कि छात्र मन भी देश के स्वतंत्रता में अपन योगदान दे सकते। और ये मन जब यह पहली बार छात्र हड़ताल करी से, और ये राजनांदगांव में पहली बार हाई स्कूल में छात्र हड़ताल हो रही से, और ये छात्र हड़ताल के ऐसे प्रभाव पड़ी से और एक चिंगारी ऐसे फैली से कि पूरे राज्य में, पूरा देश में फैली से, देश के स्वतंत्रता में अपन योगदान दे सकथन। वो सबो कोई बढ़ चढ़ के काली से हिस्सा ली से और ओकरे परिणाम रही से जेकर से देश 1947 में चल के का हुई से आजाद हुई से। का बात। और कहे जाते कि ठाकुर प्यारे लाल जी हाँ राजनांदगांव निवासी रही से, और राजनांदगांव के मजदूर हड़ताल में भी वह प्रतिनिधित्व करे रही से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ के सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार अगर दिए जाते तो ठाकुर प्यारे लाल के नाम से दिए जाते। का बात है। 15 अगस्त 1947 के सर भारत देश आजाद हो गई, लेकिन कभी ना कभी एक चिंगारी लगे होगी, और वो चिंगारी गला मैं जाना था 1857 के क्रांति के नाम से। उमा भारत के बहुत सारे व्यक्तित्व, झांसी के रानी मंगल पांडे और बहुत सारे व्यक्तित्व हाँ पार्टिसिपेट करी, बहुत सारे व्यक्तित्व के नाम उमा आते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से व्यक्तित्व है, ऐसे कौन से माटी सपूत है, ऐसे कौन से माटी पुत्र है जिन्हा अपने आप में बहुत बड़े योगदान दिस और अपन बलिदान दिस। सर, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे पर्सनालिटी है हमारे मन पास सोना खान के जमींदार। वो सोना खान के हमारे पास जमींदार रही से, ओकर नाम रही से वीर नारायण सिंह। ये वीर नारायण सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते, पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर माने जाते। ये जब 1857 के क्रांति हुई से तब अपन जमींदारी क्षेत्र के जनता पर वह अंग्रेज सरकार मन से लड़ी से, और वो बिल्कुल ये नहीं सोची से कि अंग्रेज सरकार होकर प्राण ला ले सकते, और वो है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खड़े हुई से और अपन जनता पर लड़ी से। लेकिन अंग्रेज सरकार होकर प्राण के आहुति दे दी, और वो अपन प्राण के आहुति दे पर बिल्कुल सोची नहीं, अपन जनता पर आत्मसमर्पण कर दी ताकि
ओकर जनता खुश रह सकाय, अच्छा से रह सकाय और वो अपन जान के बलिदान दे दी। लेकिन वो केवल एक बलिदान नहीं रही छे, वो हमर मन के प्रारंभ रही से श्री गणेश रही से कि देश है अब आगे यहाँ से बढ़ी और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे और ऐसे सपूत पैदा हुई जिन ओकर प्राण के आहुति ला इसने जाया हुए बार नहीं देवाए और ओकर पीछे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी बनी। तो और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मन ऐसे तेकर वजह से तेकर फल के रूप में आप देखते हो कि 15 अगस्त 1947 को हमर राज्य है, हमर देश है आजाद हुई से। क्या बात है। और ये भी सुने हो मैं कि वो ये परिस्थिति में रही से कि ओकर दोस्त मित्र रिश्तेदार मन घलो ओला धोखा दे रही से, लेकिन वो देश के प्रति जो ओकर समर्पण भाव रही से ओला वो कभी खत्म नहीं होने दी। क्या बात है। शहीद वीर नारायण सिंह अपने आप में एक बहुत बड़े पर्सनालिटी है, नमन है। 1942 मा का आइस क्रिप्स मिशन, वो क्रिप्स मिशन हा लिपा पोती पर आ रही से काबर द्वितीय विश्व युद्ध के अब सक्षम कहाँ रही ने अंग्रेज मन पूरा सब युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में एति तेती हो गए रहे। तो कोमल सर मैं ये जानना चाहूँ कि हमार छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से पर्सनैलिटी रही से ये मिशन में जिन्हा अपन योगदान दिस। काबर कहा था मैं इला ए बार कहा था कि क्रिप्स मिशन के असफल होने के कारण ही 1947 में भारत देश आजाद हुआ था और ऐसा माना जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन रही से वो पर्सनैलिटी जिन्हा अपन योगदान दे रही से। बिलासपुर से एक बहुत फेमस सुप्रसिद्ध है एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है ई राघवेंद्र राव। ये जो ई राघवेंद्र राव रही से ये है भारत के जो गवर्नर रही से, भारत के जो वायसराय रही से ओकर कार्यकारिणी समिति में रही से और वो है गृह रक्षा विभाग में सदस्य रही से। लेकिन ओकर स्वास्थ्यगत समस्या इतना ज़्यादा रही से कि वो अपन जीवन के अंतिम पड़ाव में रही। लेकिन वह मात्र लेकिन वह मातृ सेवा करे बर बिल्कुल नहीं चुकी थे। ओकर तबीयत खराब रही से, ओकर स्वास्थ्य खराब रही से और वायस राय के जो ऑफिस रही से वहाँ वो राहत रही से और वहाँ में जो भी मीटिंग हुआ रही से, जो भी बातचीत हुआ रही से अंग्रेज मन के सब बात ला सुना और रात को जाके गांधी जी ला बतावा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ला बतावा है। और जैसे क्रिप्स मिशन हुई से क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद यह अपन जीवन ला का कर दी, त्याग कर दी। मतलब मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि भगवान भी देखत रही सोला कि यह ये मिशन ला असफल करा और एकर बाद ही देश आजाद हो पावे। क्या बात है। मतलब बिलासपुर पुत्र ने छत्तीसगढ़ पुत्र ई राघवेंद्र राव के अपने आप में एक बहुत बड़े जो है योगदान रही से। अगर वो ये चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के ये जो वीर सपूत रहीन है उमन के अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान रही से। साथ ही समाज के वो हर अंतिम व्यक्ति जो स्वतंत्रता के बारे में जानते लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता के बारे में, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्रामी मन के बारे में अगर नहीं जाने तो उमन तक ये संदेश जरूर पहुंचे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सबों को कहूँ कि ये जो वीडियो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बगराहूँ और जितना ज़्यादा बगराहूँ जितना ज़्यादा शेयर करूँ तो जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है और छत्तीसगढ़ के ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन मन अपन प्राण के आहुति दी से भारत माता पर, छत्तीसगढ़ महतारी मन पर, तो ओकर मन जैन मन हाँ अपन प्राण के आहुति दे उमन ला हमन एक सम्मान दे पावन, उमन ला एक समर्पण के भावना दे पावन। तो ओकर सबो कोई बार चाहतन कि वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा झनला फैलाहू, ज़्यादा से ज़्यादा झनला बगराहू। अंत में जावत जावत हमन कंपटीशन कम्युनिटी के तरफ से आप सबो कोई जितना हमार व्यूअर है, जितना जन हमार सब्सक्राइबर है और राज्यवासी और देशवासी सबो कोई ला कहना चाहतन कि स्वतंत्रता दिवस के कोटि कोटि और गाढ़ा गाढ़ा बधाई और मिलबो अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।